बी हेलो सो मच मनी ओ सो सैड हेलो हे 50-50 ओ माय गॉड 50-50 हेलो यार मनी ओ थैंक यू अरे क्या हो गया भाई क्यों रो रहा है जज साहब गलती से मैंने मेरे पड़ोसी को नहाते हुए देख लिया और ये तो बहुत खतरनाक जुर्म है भाई तू क्या चाहता है जज साहब बदला नेक्स्ट पेशेंट डॉक्टर साहब ये इनकी रिपोर्ट्स तुम्हारी एक्सरे रिपोर्ट में तो तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है रुक रहे हैं एक्सरे में टूटी है असली में टूटी होती तो बहुत खर्चा हो जाता ना डॉक्टर साहब भाभी जी ये प्रसाद इतना कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है हाँ भाई सब कड़वा तो मुझे भी लग रहा है क्यों सखी ये प्रसाद इतना कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है अरे बेवकूफ हो वह सैनिटाइजर था हाथ धोने के लिए दिया था प्रसाद खाने के पहले समझदारी की बात आती तो तेरे भाई का नाम फिर आगे आते ही है। चल तू अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना तो तेरे से एक सवाल पूछूं हाँ भाई पूछ तू कभी जंगल गया नहीं नहीं गया तो एक काम कर मुझे ये बता अगर तू जंगल जाए और तेरे सामने शेर आए तो तू क्या करेगा तो भाई मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और तेरे साथ साथ वो भी पेड़ पे चढ़ जाए तो मैं नदी में कूद जाऊंगा और तेरे साथ साथ वो भी नदी में कूद जाए तो मैं भाग के जाके गाड़ी में बैठ जाऊंगा वो भी भाग के जाके तेरे साथ गाड़ी में बैठ जाए तो तू क्या करेगा भाई मैं जो करूंगा तो करूंगा पहले तू ये बता तू शेर की साइड है मेरी अस्सलाम वालेकुम मीर भाई 1000 वालेकुम अस्सलाम साहिल भाई और बताओ भाई कैसा चल रहा है सब बस 1000 अल्हम्दुलिल्लाह साहिल भाई तुम बताओ बस भाई खैर ही आता ऊपर वाले का शुक्र है आप बताओ और घर में कैसा है सब बस 1000 अल्लाह का शुक्र है भाई भाई गलती कर दी 1000 लानते हैं मुझ पे जो 1000 तुमसे उधार ले लिए अरे भाई तुम तो बुरा मान गए मैंने कब तुमसे 1000 मांगे अबे वो देख वीके वो सब प्रैंक करते आ जा चल चल ठीक है हाय 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 अबे क्या हो गया गंदी हरकत करी है यार तूने लानत है लानत साले ऐसा तो तेरे लिए कभी सोचा नहीं था मेरे भाई इतनी भोली शक्ल और ऐसे काम छी 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 यार तेरे को यार एक बात बोलूं अपना दोस्त बोलते मुझे शर्म आ रही है यार भाई बता यार क्या हुआ भाई मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है साहिल भाई बताएंगे ये बताएगा मेरे को तो बोलते शर्म आ रही है कल रात जो तूने किया है ना वो साहिल भाई को ढंग से बता वो बताएंगे बता तू तो खुद बताना यार क्या करा तूने बता तू खुद बता अब ये खुद ही बताएगा तूने अपने मुंह से क्या किया पता चल गया क्या क्या पता चल गया हमें बता पर शुरुआत इसकी बंदी नहीं की थी क्या नाम है अच्छा सुन क्या तू मुझे अपना फोन नंबर देगी नहीं तो सुन एक चैलेंज करता हूँ मैं तुझसे क्वेश्चन करूंगा अगर तू उसका आंसर नहीं दे पाई या तू उसका आंसर नो में देती है तो तू मुझे अपना फोन नंबर देगी डील वैसे तो मैं ही जीतूंगी अच्छा तो क्वेश्चन ये है तेरा फोन नंबर क्या है हाइट हवा तो बहुत अच्छी आ रही है बचाओ इसको तो बचाना पड़ेगा भाई कहाँ गया भाई ए भाई अब तू आराम से लेटा रहे बचा लिया भाई कल ना एक आदमी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था उसके बेड के पास एक नर्स और उसकी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी भाई फिर उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे जाने के बाद मिलेनियम सिटी में जो मेरे 20 बंगले हैं वो तू रख ले अपनी बेटी से कहा कि बेटी मेरे जाने के बाद सोनीपत में जो 14 बंगले हैं वो तू रख ले अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा तू मुझे सबसे प्यारा है इसलिए मेरे जाने के बाद ग्रीन पार्क में जो 20 दुकानें हैं वो तू रख ले और अपनी बीवी से कहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े इसीलिए प्रीत विहार में जो कोठियां हैं वो तुम रख लो ओ तेरी इतनी सारी जायदाद हाँ भाई नर्स ने उसकी बीवी से कहा आपके पति कितने अमीर हैं आप कितनी भाग्यशाली हैं तो भाई उसकी बीवी ने क्या जवाब दिया उसकी बीवी ने कहा अमीर
अरे ये तो अखबार वाले हैं, हमें सुबह सुबह अखबार डालने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। बेबी। हाँ बेबी। एक बात पूछूं? बिल्कुल। तुम शादी के बाद ही मुझसे इतना ही प्यार करोगे? अब बेबी वो तो डिपेंड करता है ना। किस पे? यही कि तुम्हारा पति मुझे शादी के बाद तुमसे प्यार करने देगा कि नहीं। मारे लो कचक बहिया में कसी के सैया। ये भी खराब है यार, सारी खराब है। अरे बुझा क्यों दी, ये तो सही थी भाई। ये काम की जल रही है भाई, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। शिट यार, आज फिर नुकसान हो गया यार। क्या हो गया अदनान भाई? यार 1 किलो नींबू लिए थे, सारे के सारे खट्टे निकले। बहुत गर्मी हो रही है। हाँ भाई गर्मी तो बहुत है। चलो मैं चलता हूँ यार। ठीक है। अच्छा भाई सुन। हाँ भाई। दिमाग पर ना धूप मत पड़ने दियो। क्यों भाई? वो भाई भूसे में आग जल्दी लग जाती है ना। ओ अच्छा। लासे बिछा दूंगा लासे। ऐसा कहने वाले लोंडो को मैंने बीवी का बिस्तर बिछाते हुए देखा है। कहाँ जा रहा है भाई? भाई बहुत दिनों से नाकामयाबी मिल रही है यार, आज एक इंटरव्यू मिला है, शायद कामयाब हो जाऊँ। अरे एक दिन और चल जाएंगे यार। भाई मोजे हमेशा धोकर पहना कर। क्यों भाई? क्या पता कामयाबी किसी दिन तेरे कदम चूमने आए और वहीं मर जाए।